एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी खुलेआम कर रहे हैं महिला के साथ छेड़छाड़ और दे रहे जान से मारने की धमकी। फिर भी प्रशासन इस पर क्यों नहीं अंकुश लगा रहा है? पूरा मामला कानपुर नगर के बजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत से सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंग किस्म के लोग गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए खलवा कंदी मोहाल की तरफ भाग गए। लोगों के खिलाफ थाना बजरिया में मुकदमा अंतर्गत धारा 307, 323, 504, 506, 147 गौकशी में अपराध संख्या 05/18 में दर्ज है, जिसमें लोग जेल भी गए थे, जिसकी वजह से यह लोग पीड़िता के परिवार वालों से रंजिश रखते हैं। दरक्षा मेरा, हम उधर से जा रहे थे तो खलवे की तरफ से धोबी वाली गली एक पड़ती है, तो हम उधर से निकले तो वहाँ पे एक बाइक आई तो पीछे से दुपट्टा मेरा खींचा, तो मैं पलट के देखती हूँ तो मेरे साथ मेरी नंद निदा हसन भी साथ में थी। तो मैं जा रही थी कि जो है मज़र का मालूम पड़ा कि मतलब कि थाने में बैठा रहे, तो क्या वजह थी, तो इसके लिए इन लोग ने आके रोक दिया, कहने लगे वहाँ जाओगी तो जान से मार दोगे। तो एक बोला, तो उसमें नाम है उन लोग का, अनीस थे और महबूब आलम थे, सानू थे, बजरिया। तो मैं कह थाने जाओगी तो मैं इज्जत लूट लेंगे, मतलब एक ने कहा के दबोच लिया मुझे, मेरा नकाब भी फट गया, ये देखिए कपड़े भी फट गए मेरे, ये इधर से भी इधर से भी मेरा नकाब पूरा खुल गया था। तो फिर जब गाली बातचीत ज़्यादा बढ़ गई हम लोग से, तो एक ने कहा इसकी इज्जत पे हमला कर दो, तो एक ने दबोच लिया मुझे, तो दबोचा तो उधर से अनीस ने कट्टा निकाली, तब लोग कुछ इकट्ठा होने लगे वहाँ पे, आने लगे क्या क्या हुआ क्या, तो इन लोग ने कट्टा निकाल लिया। कट्टा निकालते हुए तो लोगों ने आगे और बढ़े, ये अनीस ने कहा महबूब आलम से, जी पुरानी रंजिश ये थी कि वो गाय काटते थे, ये अभी अभी परसों की ईद के दूसरे दिन की है, 12 तारीख की, जी मैं जा रही थी कि मेरा देवर को इन लोग ने बजरिया थाने जा रहे थे, तो देवर को हुआ तो फोन आया देवर का कि ऐसा ऐसा हो गया, तो हम कहें फौरन भागे नंद को लेके, मेरा मेहमान भी आए हुए थे बजरिया, जी मैंने दी थी मगर फेंक दिया, और रास्ते मुझसे ये कहा कि हम नहीं सुनेंगे और जाइए, वो लोग ऐसे नहीं हैं, और जबकि उनका गाय कटती, उनके पास सब पैसा पहुंचता है, उनका मुकदमा चल रहा 307, सब आपको सारे गौकशी का पूरा मुकदमा चल रहा, उनके पास मेरे पास फोटो पेंडा सब है, मेरे घर पे हमला किया, मेरे शौहर को जो है मतलब जो है गोली भी चलाई थी। मैं ये चाहती हूँ कि न्याय मिले मुझे, मुकदमा लिखा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, जी कमिश्नर साहब ऑफिस आए हुए हम, इन्होंने कहा DGP वहाँ जाइए, वहाँ गए तो वो मिले नहीं, स्वरूप नगर वो मिले नहीं, तो कहने लगी लेडीज थी वहाँ की, तो कहने लगी आपका कागज आ गया है, डाक द्वारा चला जाएगा, वो वहाँ की ACP साहब के यहाँ पहुँच जाएगा कल, और हमको रास्ते में भी ACP साहब मिली थी रोड पे, तो मैंने उनको कागज़ देने करा, तो उन्होंने कहा जाइए पहले थाने जाइए ना, फिर मेरे ऑफिस आइएगा। जब मैंने ये बात बताई कि अभी हम यहीं बैठे हुए, हम जाएंगे नहीं यहाँ से, नहीं हिलेंगे, ऑफिस में आ रही होंगी, मैडम ने भेजा है, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब उनको मुकदमा लिखा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और गिरफ्तार किया जाए, और उनका गिरोह चलता है, बहुत बड़ा गिरोह है जो लेडी महिला लड़कियों को बहला फुसला के औरतें